today we discuss here about disease AIDS, AIDS. So basically I will discuss here definition of AIDS. AIDS is a chronic obstructive disease, life-threatening condition caused by the human immunodeficiency virus, HIV, okay. ये एक इम्यूनो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जिसे एच आई वी कहते हैं. बाय डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग द सेल ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है. ये क्या करता है, डैमेज करता है हमारी सेल्स को और इम्यून सिस्टम को कमजोर करता है, जिससे कि इन्फेक्शन इंटरफेयर विद द बॉडी एबिलिटी टू फाइट ऑफ वायरस बैक्टीरिया फंगाई, जिससे कि हमारी बॉडी बैक्टीरिया वायरस फंगाई से फाइट नहीं कर पाती है, जिससे कि हमारा कौन सी डिसीज होती है, AIDS, एक्वाइर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम डिसीज होती है. इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि बेसिक साइन एंड सिम्टम्स ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन इंक्लूडेड फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, स्वेल, लिम्फ ग्लैंड्स, रैशेस. ये सब बेसिकली सिम्टम्स हैं जो कि एड्स डिसीज में देखने को मिलते हैं. फीवर, चिल, लिम्फ में स्वेल होना, ग्लैंड्स का स्वेल होना, सोर थ्रोट, रैशेस, ये सब क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं, ठीक है. अब बेसिकली कुछ ट्रांसमिशन रूट्स हैं, ठीक है. कुछ ट्रांसमिशन रूट में ये है, तीन टाइप के बेसिकली देयर आर थ्री मेनी मेन ट्रांसमिशन रूट फॉर एच आई वी हैव बीन आइडेंटिफाइड. फर्स्ट सेक्सुअल रूट, ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट रेट, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ठीक है. ये तीन स्टेज हैं. फर्स्ट सेक्सुअली रूट के थ्रू, जैसे कि मेजोरिटी ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन आर एक्वायर्ड थ्रू अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल रिलेशन, ठीक है. यदि अनप्रोटेक्टेड सेक्चुअल यदि कंडीशन में आप हैं, यदि किसी कॉन्टैक्ट से हो रहा है, रेक्टल जेनाइटल में है और अनप्रोटेक्टेड है, तो आपको ये वाला जो एच आई वी वायरस है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है. दूसरा ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट रूट, ठीक है. यदि कोई सपोज दैट यदि कोई आप किसी निडल को यूज़ कर लेते हैं, इन्फेक्टेड निडल को, ठीक है, और दूसरे के ब्लड में यदि आप उस निडल का यूज़ कर लेते हैं, तो फिर आपको ब्लड प्रोडक्ट में क्या हो जाएगी, आपके उस रूट से जाएगा और ब्लड में क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा. और कौन सा वायरस ट्रांसफर होने के चांसेस है, चाहे भी, और इससे कौन सी डिसीज होती है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जिससे कि MTCT बोलते हैं, द ट्रांसमिशन द वायरस फ्रॉम द मदर टू चाइल्ड अकर इट अल्ट्रो यूट्रो डिपेंडिंग द लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी एट द चाइल्ड बर्थ, ठीक है. ये कब ट्रांसफर होने के चलते हैं, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, लास्ट वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, एंड द चाइल्ड बर्थ. इट इज़ द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रांसमिशन रेट बिटवीन द मदर एंड चाइल्ड इज 25%, बट हैवर वेयर द ड्रग ट्रीटमेंट आर अवेलेबल, दिस कैन बी रिड्यूस टू 1%. ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन फॉर द बेबी, ठीक है. ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग के केस में भी ये इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं मदर टू बेबी से, ओके, बेबी में. इसके बाद हम देखेंगे पैथोजेनेसिस. पैथोजेनेसिस में क्या होता है, नॉर्मली एच आई वी वायरस जो होता है, व्हेन द डेवलप ऑफ न्यू नहीं द नॉर्मली वाइट ब्लड सेल्स एंड एंटीबॉडी अटैक द डिस्ट्रॉय फॉरेन ऑरिजिन एंटरिंग द बॉडी, द रिस्पॉन्स इज कोऑर्डिनेटेड बाय WBC नॉन एज CD4 लिम्फोसाइट्स, विच आर द मेन टारगेट ऑफ एच आई वी, विच अटैच द एंटर इन टू इट विद WBC CD4 सेल्स, जो कि एच आई वी से बाइंड होती है, एंड अटैच एंड देन एंटर इन टू द सेल जीनोम. वन इनसाइड द वायरस इंसर्ट इन ओन जेनेटिक मटेरियल इन टू द लिम्फोसाइट्स एंड यूज दैम टू मेक न्यू कॉपीज ऑफ द वायरस. वैन द डेवलप ऑफ न्यू कॉपीज ऑफ द वायरस ब्रेक आउट द होस्ट सेल एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम, दे सर्च टू द अदर सेल्स टू अटैक. इन दिस मीन टाइम द ओल्ड होस्ट सेल्स एंड सम अनइन्फेक्टेड CD4 अनइन्फेक्टेड CD4 सेल्स डाई फ्रॉम द इन्फेक्ट ऑफ वायरस. द साइकिल रिपीट इट अगेन एंड अगेन एंड इट CD4 सेल इन द बॉडी डिक्रीजेस लीडिंग टू सेवरल इम्यून डेफिशियंसी. हैंस द बॉडी कैन नो लॉन्गर इफेक्टिवली फाइट ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया दैट कॉज डिसीज, ओके. इसमें कुल मिला के ये बोला है कि जैसे ही मैं आपको डायग्राम से बताऊँगी, पहले यहाँ पर सुन लीजिए, जैसे ही एच आई वी जो वायरस है वो अटैक करता है, किस पर बाइंड होता है या अटैच होता है, किससे, WBC लिम्फोसाइट से या फिर टी सेल से. टी सेल्स के ऊपर CD4 रिसेप्टर से बाइंड होता है, टी सेल्स पे आता है, टी सेल्स को क्या करता है, उसके उसको ब्रेक करेगा, उसके होस्ट सेल के अंदर जीनोम में चला जाएगा, और जीनोम में जाने के बाद क्या करता है, ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, जहाँ से कि सेल की जो इम्यून सिस्टम है धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, और लीडिंग टू सीवियर इम्यून डेफिशियंसी एंड हैंस द बॉडी कैन नो लॉन्गर इफेक्टिव फाइट ऑफ द बैक्टीरिया वायरस, एंड वो बैक्टीरिया वायरस से क्या नहीं कर पाती है, फाइट नहीं कर पाती है बॉडी, और जो कॉज होता है, कौन सी डिसीज होती है, AIDS, मतलब कि एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम. यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं.
एच आई वी बाइंड टू टी सेल या सी डी फोर पर, ये सी टी सेल है, इसके ऊपर सी डी फोर रिसेप्टर है, एच आई वी बाइंड हो गया। फर्स्ट स्टेप द इनफेक्शन डिक्स एच आई वी, एच आई वी का फर्स्ट स्टेप इन्फेक्शन धीरे धीरे शुरू हो गया, लेकिन हमको इसमें समझ में नहीं आता है, डेवलप होने में उसको वीक लगता है, काफ़ी वीक लगते हैं 3-6 वीक। इसके बाद आपको समझ में आएगा सेकेंड स्टेप में कि एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स आर प्री रिक्वेस्टेड फॉर प्रोग्रेसिव एच आई वी इन्फेक्शन। ठीक है, टी सेल्स क्या हो जाती है कुछ टाइम बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं, ओवर एक्साइट हो जाती हैं। ठीक है, जिससे कि क्या होता है, एच आई वी कहाँ चल जाता है, आर एन ए ट्रांसक्रिप्ट इंटू टी सेल जीनोम, जिससे के बाद जो एच आई वी वायरस है वो टी सेल के जीनोम में चला जाता है, अंदर चला जाता है, उसके बाद वो ब्लड में फैलने लगता है, क्योंकि कुल मिला के टी सेल के फंक्शन क्या होते हैं, डिसमिनिस्ड हो जाते हैं, प्रॉपर फंक्शन कर ही नहीं पाता है, तो वो एच आई वी धीरे 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 कहाँ चला जाता है, पहले तो वो उसके सर्फेस पे आया, फिर टी सेल्स के अंदर आया, टी सेल जैसे ही एक्टिवेट हुए उसके जीनोम में पहुँच गया, जीनोम से कहाँ चला गया, पूरे ब्लड में फैल गया, तो इस प्रकार इम्यूनिटी भी कमजोर होती जाती है और हमें कौन सी डिसीज हो जाती है, ए आई डी एस। ठीक है, इसके बाद हम नॉर्मली ट्रीटमेंट में देखेंगे, डायग्नोज बाय टेस्टिंग द ब्लड और ओरल म्यूकोसा फॉर द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडी टू द वायरस। ठीक है, डायग्नोज करेंगे किससे, ब्लड टेस्ट से। ओके, इसके बाद ट्रीटमेंट में एक थेरेपी यूज करते हैं जो कहते हैं एंटी रिट्रोवायरल, एक्टिव एंटी एक्टिव हाईली एक्टिव एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी, एच ए ए आर टी। इस थेरेपी का एम क्या है, एम ऑफ एच ए आर टी इज ए रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वायरस इन द ब्लड और इवन टू नॉन डिटेक्टेबल लेवल। ठीक है, कुल मिला के इस ब्लड में क्या करता है, इस वायरस के अमाउंट को कम कर देता है, जिससे कि हमें आई बॉडी जो है वो फाइट करने लगती है बैक्टीरिया वायरस से और हमको ए आई डी एस डिसीज नहीं होती है। और क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन में ड्रग्स यूज कर सकते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एच आई वी इन्फेक्शन डिसीज। ओके, तो ये रहा टोटली एच आई वी डिसीज।